मोहर्रम का मातमी पर्व बुधवार को मनाया जाएगा। पर्व को लेकर निकाले जाने वाले ताजिए के जुलूस की तैयारियों को मंगलवार को अंतिम रूप दिया गया। मोहर्रम कमेटी के पदाधिकारियों की देखरेख में ताजिए का जुलूस मंगलवार की रात को निकाला जाएगा। वहीं मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान में लकड़ी, गत्ते, फॉर्म पेपर से 13 फीट लंबे ताजिए का निर्माण किया गया है। मंगलवार रात को सबे बारात के बाद बुधवार को मातमी धुन पर ताजिया निकाला जाएगा। मोहर्रम का मातमी पर्व बुधवार को मनाया जाएगा। पर्व को लेकर निकाले जाने वाले ताजिए के जुलूस की तैयारियों को मंगलवार को अंतिम रूप दिया गया। मोहर्रम कमेटी के पदाधिकारियों की देखरेख में ताजिए का जुलूस मंगलवार की रात को निकाला जाएगा। वहीं मुस्लिम समाज से कब्रिस्तान में लकड़ी, गत्ते, फॉर्म पेपर से 13 फीट लंबे ताजिए का निर्माण किया गया है। मंगलवार रात को सबे बारात के बाद बुधवार को मातमी धुन पर ताजिया निकाला जाएगा, जिसे शहर के मुख्य रास्तों से होते हुए गेहूं रोड स्थित करबलाई मैदान ले जाया जाएगा। मोहर्रम का मातमी पर्व बुधवार को मनाया जाएगा। पर्व को लेकर निकाले जाने वाले ताजिए के जुलूस की तैयारियां इन दिनों युद्ध स्तर पर चल रही हैं। मोहर्रम कमेटी के पदाधिकारियों की देखरेख में ताजिए का निर्माण किया गया है। मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान में कामकार लकड़ी, गत्ते, फॉर्म पेपर से 13 फीट लंबे ताजिए का निर्माण कर रहे हैं। मोहर्रम के पीछे का इतिहास ये है कि करबला के मैदान में मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम और हुसैन ने कुरान के बताए रास्ते को ना छोड़ते हुए अपने परिवार सहित बच्चों की शहादत को स्वीकार किया, जिनकी याद में ताजिए निकाले जाते हैं। बाड़मेर शहर में ताजिए का जुलूस मंगलवार रात को सबे बारात के अवसर पर व्यापारियों के मोहल्ले से निकलेगा, जहां से सिपाहियों का मोहल्ला, नगर परिषद के पीछे गांधी चौक, बावड़ी चौक, कोटवालों का मोहल्ला, मड़ी, फकीरों का कुआं, खेजड़ी होते हुए गेहूं रोड स्थित करबला के मैदान पहुंचेगा। बना रहा हूं और इमाम हसन का रोजा मुबारक उनकी याद में बनाया जा रहा है। क्या 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 होता है कार्यक्रम, क्या होते हैं, किस तरीके से इसको बनाते हैं, कितने दिन लगते हैं? ये 3 हिस्सों में बनता है। एक पहले बड़ा रोजा, फिर छोटा रोजा, फिर ये तखत। और ये व्यापारियों के मोहल्ले से होता हुआ सिपाहियों के मोहल्ले, सिपाहियों के मोहल्ले से गांधी चौक, गांधी चौक से बावड़ी, बावड़ी से कबूतरा चौक, कबूतरा चौक से कोटवाड़ा का मोहल्ला, कोटवाड़ा मोहल्ला सीधे बाहर होते हुए बनकर डोर होते हुए सीधे फकीरों कुआ, फकीरों कुएं से खेजड़ी, खेजड़ी से गुलाब जी के होटल से होता हुआ सीधा कर बना। क्यों मनाते हैं, क्यों मोहर्रम? ये इमाम हसन हुसैन की शहादत को मनाया जाता है। कितने दिन लगते हैं इसको बनाने में? इसको बनाने में कम से 14-15 दिन लग जाता है। तो शुरुआत कब हुई थी बाड़मेर में ताजिए बनाने की? और मेरे जन्म से पहले की, मैं बना, जब से मेरा जन्म हुआ जब से तो मैं बना रहा हूँ। पहले क्या सुना था, कितना हाइट कितनी होती थी? अब हाइट पहले करीबन 18 फुट इसकी होती थी मोहर्रम की सिर्फ, और 5 फुट का हिस्सा। अब कितनी रह गई, क्या वजह? 12.5 फुट है सिर्फ मोहर्रम की हाइट। क्या वजह, क्या कम क्यों हुई? गलियों के कारण, तार के कारण, पेड़ पौधे बड़े बड़े। मोहर्रम सिर्फ मुस्लिम समाज ही नहीं सभी धर्मों के लिए प्रेरणादायी है। मोहर्रम से पैगाम हक का संदेश मिलता है और इंसानियत की आवाज़ बुलंद करने और दिलों में मोहब्बत करना सिखाता है। मोहर्रम खुशियों का त्यौहार नहीं बल्कि मातम और शोक मनाने का त्यौहार है। इसलिए इस दिन हुसैन उनके परिवार और दोस्तों की शहादत को याद करते हैं। इस दिन उनकी शहादत को याद करते हुए सड़कों पर जुलूस निकाला जाता है और लोग मातम मनाते हैं। मोहर्रम में रोजे रखने का भी रिवाज है, लेकिन इस महीने में रोजे रखना अनिवार्य नहीं है। यह इच्छा पर निर्भर करता है कि रोजा रखना है या नहीं। मान्यता है कि मोहर्रम में रोजे रखने वाले रोजेदारों को काफी सवाब मिलता है।